टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बैनर तो पहला बता दो, बैनर फाड़ा नहीं है, दगड़ मार के भाग गया है। जिसके भी जिसमें भी दम रहेगा ना, वो सामने आकर दगड़ पत्थर मारे। कल सुबह फिर से वो बैनर वही जगह पे लगेगा और हम लोग कल उधर रहेंगे, तो हमारे सामने जिसको भी पत्थर मारने का हमारे सामने मार के दिखाओ, और इसका जवाब 12 तारीख के सभा के साथ बाद हम जरूर देंगे। और आपको मेरा इतिहास मालूम नहीं रहेगा तो जानकारी करके ले लो, मुमरा में मन से ऐसा एक ही संगठन है और हमारे पदाधिकारी महाराष्ट्र सैनिक, जिन्होंने बच्चों को न्याय देने के लिए सेंट मेरी कॉलेज तक फोड़ा है। तो हमको कुछ छोटी सी चीज़ नहीं, पर हमको रमजान के पाक महीने में कि समाज में कौन सी दहशत फैलाने का हमको कुछ हक नहीं है, और हम फैलाने भी नहीं चाहते। हम शांतता चाहते हैं, खाली जो कृत्य किया है उनको मेरा आपके माध्यम से एक ही बताना रहेगा कि जो करने का रहेगा तो सामने सामने आओ, फिर देखते कौन किस में कितना है दम। क्या लगता है आपको कि जो पदाधिकारी है उनको एनसीपी में आने का ऑफर दिया गया है लेकिन एनसीपी ज्वाइन नहीं किया, इसकी वजह से किया गया है? अभी मेरा पदाधिकारी सैयद भाई इतना अच्छा काम करता है इसलिए उनको ऑफर दिया जा रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, उतना ऑफर उनसे देने से बाद भी वो किधर हटेगा नहीं, ये मेरे को मालूम है। राज साहब का सैनिक है, वो किधर जाएगा भी नहीं, और उसको कितने भी धमकी आने दो, कल फिर से उधर साहब का बैनर फिर से लगेगा। अभी आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, मामले में क्या लिखा गया है? मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR लिखा है, उसमें जो कोई ये पत्थर फेंकने वाला आदमी उनके खिलाफ में गुनाह दाखिल हुआ है, रजिस्टर हुआ है, और वीडियोज है आजू बाजू के ऑफिस के, वो लिए उन्होंने, और 24 घंटों के अंदर वो आरोपी को जमा करके लॉकअप में डालेंगे, ऐसा हमको आश्वासन दिया। और पुलिस ने भी हमको हेल्प करके बताया कि वह लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है तो शांतता रखो, ऐसा कुछ भी करो मत। हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी इरफान सैयद साहब, इनका तनवर नगर में इधर ऑफिस है, उनके कार्य में उनका अभी मेरे को फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा सर अपने कार्यालय में पत्थर फेंका गया है। तो मैं तो बोला ये भैड़ हल्ला है, हाँ आमने सामने करके दिखाओ, जब ये बंद ऑफिस के साथ ऊपर तुम लोग पत्थर फेंकते हैं, हाँ ये तो सुबह से लेके 9 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक, अभी तो रमजान का महीना चालू है तो रात देर तक बैठते हैं, और ये रात के 1-1.5 बजे की बात की घटना है ना, तो 12 बजे के बाद उन्होंने किया है ये, हम लोग तो इसको घृणित निंदा करते हैं ये बात की। तो और वो आपको तो मालूम है कैसा क्या है क्या नहीं है, 12 तारीख को जो सभा होने वाली है, उत्तर सभा उसको नाम दिया है हम लोगों ने, कि उसमें हर एक पक्ष को उत्तर मिलेंगे। आगे मनसे की क्या भूमिका रहेगी? मनसे की भूमिका आप देखेंगे 12 तारीख के बाद में, जो 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 अभी जो जो बोलने लगे पोपट, जो तीन पक्ष के जो पोपट बोलने लगे ना, उनको 12 तारीख के बाद उनको ये मिलेगा, उत्तर मिलेगा जो बोलने का वो।